वेलकम टू गाइस माय न्यू व्लॉग। तो मैं आज अपने घर से चल गया हूँ, खेतों की तरफ जाएंगे। तो आज हमें एक हमारे गांव की ट्वेल का व्लॉग लूँगा, तो चलते हैं। तो दोस्तों हम अब यहाँ से जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, हम यहाँ से अब सीधा जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, तो हम अब आगे चलते हैं, हमें थोड़ी दूर रह गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो जिस वेल पे हमने जाना है तो वो सामने दिखाई दे रहा है, और बस हम अब पहुंच ही गए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हेलो दोस्तों, तो पहले जो मैंने पहले भी एक आम के पेड़ वाला व्लॉग बनाया था तो वो इसी मोटर का था। तो दोस्तों आज मैं कुछ आम के पेड़ के बारे में नहीं बताना चाहूँगा। तो आज मैं दोस्तों खेतों में अपने कुछ पल बिताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, आपको बताना चाहूँगा बस। तो देखिए दोस्तों, ये वही आम का पेड़ है। वेल पे पहुंच ही गए, तो चलिए। हेलो, तो दोस्तों आप सोच ही रहे होंगे कि ये इस पेड़ का तो इसने व्लॉग पहले बना ही लिया था, पर बट जो मेरा ये व्लॉग है इसमें मैं कुछ भी मतलब कि ना आम के पेड़ के बारे में बताना चाहूँगा ना आंबों के बारे में बताना चाहूँगा। तो मैं इसमें ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो हमारे भारत देश के किसान होते हैं वो हमारे खेतों में कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और मतलब कि हमारे जो किसान भाई होते हैं, भाई लगा लो अंकल लगा लो, तो वो सारा सारा दिन अपने खेतों में ही गुजार देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रेश ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, बट अब तो चल नहीं रही क्योंकि ये ना अब शाम का वक्त हो रहा है। तो कुछ तो दोस्तों चलो हम चलते हैं, आज मैं आपको पेड़ दिखाऊंगा। चलिए तो दोस्तों हम चलते हैं अब सफेदे के पेड़ों की तरफ। तो जिन खेतों की तरफ मैं आया हूँ, यहाँ पर शाम के वक्त तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। दोस्तों जो ये हमारे किसान भाई होते हैं,
वो सारा सारा दिन खेतों में निकाल देते हैं क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, और क्योंकि अब तो वैसे भी धान की खेती होगी और इन सारे खेतों में धान ही लगाया जाएगा। हेलो दोस्तों, तो मैंने जैसा कि कहा था कि जिस तरफ हम आए हैं वहाँ पर हवा चलती रहती है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हवा चल रही है ठंडी ठंडी, देखिए दोस्तों। और यहाँ पर सफेदे के कितने हरे पेड़ लगे हैं। दोस्तों और जो आपको वो सामने दिखाई दे रहा है वो हमारा गांव राय माजरा है, जो कि कुरुक्षेत्र जिले का लास्ट गांव है। हेलो दोस्तों, तो वैसे तो मुझे यहाँ पर सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदे पेड़ खड़े हैं, पेड़ पौधे हैं जिनमें मतलब कि स्नेक वगैरह हो सकते हैं। तो दोस्तों हम अब सफेदे के पेड़ों के अंदर जाएंगे और वहाँ का नज़ारा देखेंगे, कितनी ठंडी हवा चल रही है वहाँ पर। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा नज़ारा है, यहाँ पर कितनी ठंडी हवा चल रही है और पीछे से कोई छोटे कीट जंतु की पीछे से आवाज आ रही है। हेलो दोस्तों, देखिए ये कितने ऊंचे ऊंचे सफेदे के पेड़ हैं। हेलो दोस्तों, तो हमारा ये व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर शेयर करना अगर आपको अच्छी लगे तो, और प्लीज़ कमेंट में बताएं कि मेरा व्लॉग कैसा बना था। धन्यवाद।